पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं गुरुग्राम से। पवन, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं? अभी एक तस्वीर हम देख रहे थे, वहां पर लाठीचार्ज भी वहां पर पुलिस की ओर से किया गया है, कार्रवाई हो नहीं पा रही है पुलिस की ओर से, और लाठीचार्ज जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं उन पर किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कह रही है हरियाणा सरकार? बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि एक हफ्ते के भीतर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। क्या स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन अभिभावकों में एक थोड़ा सा पेच है कि आखिर एक हफ्ता का समय क्यों दिया जा रहा है। पहले ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पेरेंट्स ने यह बात कहा कि नहीं, ये आरोपी नहीं हो सकता है। स्कूल पक्ष अपना नाम बचाने, अपनी साख बचाने में लगा हुआ है। कुछ अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनकी हम राय लेते हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, स्कूल में आपको ये लगता होगा कि सुरक्षा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हम अपने बच्चों को यहाँ से तो गेट तक छोड़ के आते हैं, गेट के अंदर जब हमारा बच्चा एंटर कर जाता है हम तब वापस आते हैं, लेकिन उसके बाद हमें नहीं मालूम स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारे बच्चे को कैसे रखा जाता है कैसे नहीं रखा जाता, या हमारे बच्चे को कितनी मेड्स प्रोवाइड है वहाँ पे, कितनी मेड्स प्रोवाइड नहीं है, या बच्चा वाटर फिलिंग के लिए जा रहा है, टॉयलेट जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, तो उसको उसके साथ मेड जा रही है या कोई सिक्योरिटी है वहाँ पे या नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो स्कूल में एंटर किया नहीं जाता हम लोग तो ये तो स्कूल प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किस तरीके से बच्चों को वहाँ पे सिक्योर रखते हैं या नहीं रखते हैं। अभी ये जो हुआ है इसमें स्कूल प्रशासन बिल्कुल चुप है, एक भी स्कूल की तरफ से कोई भी बाहर निकल के नहीं आ रहा है, कोई भी मतलब बात नहीं कर रहा है, तो इसमें पेरेंट्स क्या करेंगे? ये तो पेरेंट्स के लिए, फिर अगर पेरेंट्स जाके फिर शोर मचाते हैं कुछ करते हैं तो फिर मतलब पेरेंट्स की गलती होती है, लेकिन इसके लिए तो सारा के सारा स्कूल मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ना। बिल्कुल, स्कूल मैनेजमेंट पर सवाल है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनकी हम राय लेते हैं। आमतौर पर देखा जाए मोटी फीस वसूली जाती है, एक बड़ा ड्राफ्ट किया जाता है, स्कूल में अगर टाइम पर आप फीस पे ना करें तो आप पर एक सवाल होता है, आप स्टूडेंट्स को तंग किया जाता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टिकोण से आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए तो स्कूल प्रशासन पर जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि हम तो भेज देते हैं ना, हम ये सोच के भेजते हैं कि बच्चा स्कूल गया है, चाहे गाड़ी से गया है या जैसे भी हम ड्रॉप करके आए हैं पर्सनली, बाउंड्री के अंदर जाने के बाद स्कूल वालों की जिम्मेदारी, हम तो सोचते हैं हमारे बच्चा बहुत सेफ है, तो वहाँ पर वो लोग उसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं ये स्कूल वालों पर डिपेंड करता है, तो स्कूल वालों को बच्चों के साथ में कितनी मेड दे रहे हैं, क्या सपोर्ट दे रहे हैं क्या नहीं, कौन बच्चा कैसा है उसके साथ उस तरह से हैंडल करना, ये सारा स्कूल वालों पर डिपेंड करता है, और बच्चों को अगर हम तो यही सोच कर करते हैं। आपके पास आते हैं, अपनी बातचीत आप जारी रखिएगा, आपके पास दोबारा आते हैं। कुछ और सवाल भी हमारे ध्यान में है, लेकिन हमारे दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं और वो भी अपनी राय देना चाहते हैं।